शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया हमारे बाबा पर, एक मौका नहीं दोगे उन्हें सही साबित करने का? ठीक है, कल सुबह तक तो आपको वक्त देते हैं। तुम कैसे साबित करोगी कि तुम्हारा बाप निर्दोष है, और वो भी कल तक? और अगर नहीं कर पाए, अपनी माँ का भी पिंडदान करने की तैयारी कर लेना। हमको पता चल गया है। क्या पता चल गया? भानू के दिल में और तुम्हारे मंगलसूत्र में क्या कनेक्शन है? ऐसे इतने साल तक इस हवेली पे राज नहीं किया है मैंने। ताऊजी, चूली को आप ही लेकर आए थे ना हमारे लिए। वक्त आपने हमारा ख्याल रखा, नहीं गुस्सा थे हमसे, तब भी एक पल के लिए भी आपकी नजरें नहीं हटी हमसे। आखिर किस मिट्टी के बने आप? शायद उसी मिट्टी के जिस मिट्टी से हमारे बाबा बने थे। बाबा के बाद अब हम आपको नहीं खोना चाहते। आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते ताऊ जी, पर क्या करें? पर करना तो होगा, अब सब ठीक कर देंगे ताऊ जी, सब ठीक कर देंगे हम। अब बेचारी को अपने भानू जानू से दूर जाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? चूली, भानू जानू, हमें अचानक जाना पड़ रहा है, क्या करें? बात हमारे परिवार की है, जाना जरूरी है। सॉरी, तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर पाए। जूली, बड़ी अजीब बात है, कैसे कैसे बिना बताए चले गई? अभी तो काम भी पूरा नहीं हुआ है। फोन भी नहीं चल रहा है इसका। फिलहाल जूली से ज्यादा श्रवणी के बारे में सोचना है। ये शिवांश का राज कहा है, और कहा है इसने श्रवणी को फांस रखा है। वो तस्वीर तो चल गई रही। ये चूल्हे से अभी तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ, चौंक क्यों गई? किसी और का इंतजार था? हमारा तो इंतजार तुम करोगी नहीं, जूली का इंतजार कर रही थी है ना? ऐसे कहा सोचा था तुमने कि जूली बहुत पहुंची हुई जासूस है, तुम उसको हमारी शिकायत करोगी, हम डर जाएंगे, उसे सारी बातें बताओगी और हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। खेल खत्म, ताई जी हार गई, हम जीत गए, लेकिन बेचारी वो तो गई। हाँ? क्या किया आपने उनके साथ? हम क्यों बताएं तुमको, लेकिन तुमसे कहे थे ना कि अपना मुंह मत खोलना, किसी से कुछ मत कहना, पर तुम तो सुनी नहीं हमारी, तो अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। जी कहें कि ताई, ताई जी।
आइए हम हाथ जोड़ते हैं, ताऊ जी को मत परेशान कीजिए, उन्हें मत दुख पहुंचाइए प्लीज। ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना, अब तड़प के कब आए था। ताऊ जी आपको सजा देनी है ना, हमको दीजिए, हम जो बोलेंगे हम करेंगे, ताऊ जी को कुछ मत कीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है, ये भी सही, सजा तो तुमको भी दे सकते हैं। तो सुनो, कल नेत्रा हर साल के जैसे केशव का वार्षिक श्राद्ध करेगी और तुम उसकी इकलौती संतान होने के नाते पिंडदान करोगी। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस तुम इस साल पिंडदान मत करना, मना कर देना। ताई जी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बेटी के ताई जी प्लीज, क्यों कर रही हैं आप ये सब? हाँ, क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? आगे चाहती क्या है आप? वो तस्वीर श्रवणी ने बनवाई थी, हो ना हो एक आध कापी है, कुछ तो हो गया। तो समझ में नहीं आ रहे हैं। श्रवणी ने यहीं से तस्वीर बनवाई होगी, उसके पास भी एक आध कॉपी होगी। जब जागो तो सवेरा और चंद्रा से भिड़ोगी तो अंधेरा ही अंधेरा। बड़ी शांत बैठी हो, क्या हुआ? इतरा नहीं रही ऐसे तो भानु जानू करती फिरती रहती हो, मंडराती रहती हो बुढ़ो तितली के जैसे। चाहते ना तो वहीं तुमको मार देते और पीछे आंगन में गाड़ देते, पर फिर सोचे लापता हो गई तो भानु जी फोन तो करेंगे, फिर बात की तह तक जाएंगे। तुम्हारी दोस्ती ने तुमको बचा लिया, इसलिए अब चुपचाप अपना बढ़िया बिस्तर बांध लो, जहां से आई हो ना वहीं उल्टे पैर निकल लो और जिंदगी में वापस लौट कर आने की सोचना मत। हैरानी नहीं हुई तुम्हारे रूप देखकर? सपेरे की बेटी हो ना, डसना तुम्हारी फितरत है। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, जाएगा भी नहीं। अपनी अकड़ ना अपने पास रखो ना, जो पहले सोचे थे ना काट के गाड़ देंगे, ऐसा ही करेंगे। फिर ढूंढते रहे भानु जी, चुपचाप भानु जी को फोन करो और कहो कि तुम ये केस नहीं सुलझा सकती। भानु से कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है हमें जो उसके लिए हम अपनी जान दे दें, लेकिन तरस जरूर आ रहा है कि उसने अपने आस्तीन में ऐसी नागिन पाल कर रखी है। कह देंगे, वादा है हमारा। सच के रास्ते चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। चंद्रा, तुम भगवान से ऊपर नहीं हो, एक हमें रास्ते से हटाने से क्या होगा? श्रवणी की मदद खुद ईश्वर करेंगे।
श्रावणी तुम बस हिम्मत रखना। बड़ी आई प्रवचन देने वाली, श्रावणी की मदद करने तो ईश्वर भी नहीं आएंगे। वैसे नाम में भले ही चांद है, आंख हम सूरज वाली रखते हैं। झूली जासूस जी। पंडित जी, जी हम सारी व्यवस्था रखेंगे, आप बस समय से पहुंच जाइएगा। श्रावणी जरा इधर आना। कल तुम्हारे बाबा का वार्षिक श्राद्ध है, याद है ना? तुम चाहे जो मर्जी करो श्रावणी, लेकिन ये सच कोई नहीं बदल सकता कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो। कल अपने बाबा का पिंडदान और नेत्रहीनों के लिए भोजन और उनके ऑपरेशन के लिए पैसे तुम्हें दान में करने हैं। सुबह तैयार होके आ जाना। कल नेत्रा हर साल के जैसे केशव का वार्षिक श्राद्ध करेगी, बस तुम इस साल पिंडदान मत करना, मना कर देना। वो ये काम भी आप वहां पंडित जी से ही करवा लीजिएगा। अपने बाबा का पिंडदान भी नहीं करोगे? ऐसी बेटी हो तुम। अब हम अपने ससुराल वालों के हो गए हैं माँ, और उन्हें नहीं पसंद कि हम आप सबके साथ कोई भी रिश्ता रखें। माफ कर दीजिएगा हमें। आप बकवास कर रही हो ये श्रवणी। ठीक है, नहीं करना तुम्हें अपने बाबा का पिंडदान तो मत करना। जो तुम्हारे जी में आए वो करो। आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उनकी पत्नी हैं, हम सब कुछ खुद कर लेंगे। जाओ, तुम्हें इस जिम्मेदारी से भी मुक्त किया। जिसके लिए बाबा ने जान दी उसी की जान बचा रहे माँ, उसी की जान बचा रहे। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बाबा हम क्या करें बाबा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको बचाने जाते तो ताऊ जी को चोट पहुंचती है, ताऊ जी को बचाने जाते तो मां का दिल तोड़ बैठते हैं। दूर करे शिवांश की गलत फहमी। बाबा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कल सुबह तक हमें साबित करना होगा, वरना वो शिवांश पता नहीं क्या कर बैठे। ऊपर से कल माँ ने आपका श्राद्ध भी रखा है, कहीं शिवांश और ना भड़क जाए। बाबा की
दिखावट तो बाबा की ही है। श्रेवानी जी ने हमें इसी की कॉपी बनाने के लिए बोला था। हम 15 दिनों में पुरानी फाइलें डिलीट कर देते हैं। अनंत, शिवांश अनंत का बेटा है। माँ बाबा की लव स्टोरी। आज हमने उसे पहली बार देखा। नेत्रा नाम है उसका। जी जैसी आंखें हैं, लेकिन उन आंखों से वो देख नहीं सकती। हम उससे शादी करने जा रहे हैं। बाबा माँ से कितना प्यार करते थे। ये खाली पन्ने, ये तो ब्रेल में लिखा है। हाँ, उस टाइम बाबा की आंखों की रोशनी चली गई थी। हमें आज अपने आंखों की रोशनी वापस मिल गई। आज हमने पहली बार श्रवणी को देखा। कितनी मासूम, कितनी भोली है हमारी बच्ची। ऐसा लग रहा था मानो उसे देखने के लिए ही अब तक जिंदा थे। पापा ने जरूर देहांत से पहले लिखा होगा। आज हमसे एक गुनाह हो गया। ऐसे कैसे हो गया ये गुनाह हमसे? हमारे और भानु भैया के बिजनेस पार्टनर अनंत सिंह की जान चली गई हमारी वजह से। सब हमारी गलती है। ये बात अंदर ही अंदर हमको खाए जा रही है। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। आज से ठीक 12 साल पहले हमें हमारी जिंदगी का सबसे यादगार तोहफा मिला था। हमारे पापा खून से लथपथ बेजान पड़े हुए थे। आज हमसे एक गुनाह हो गया। हमारे और भानु भैया के बिजनेस पार्टनर अनंत सिंह की जान चली गई हमारी वजह से। अब हम समझे शिवांश का गुस्सा, उसकी झुंझलाहट। आखिर एक बेटे ने अपने बाप को खोया है। कितनी
घुटन हुई होगी उसे, कितना दर्द हुआ होगा। और ये है इनकी प्यारी सुपुत्री। इन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा सा प्रयास किया, आप सबको वो दिखाते हैं। हमारी बीवी शर्मी ने आज जो किया है वो तो बहुत कम लड़कियां कर पाती हैं। आज इन्होंने अपने ससुर के हत्यारों को उजागर किया है। क्या ये सच है उन्होंने हत्या की है? सच है ये, हमारे बाबा कातिल है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।